हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ TVS की रेडोन। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। शुरुआत करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में सबसे पहले हमें कुछ रेड कलर में इस तरह की विंडशील्ड देखने को यहाँ पे मिलती है, वहीं पे TVS का लोगो। और नीचे की तरफ हमें काफ़ी अच्छा हेडलाइट के ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। वहीं इसकी हेडलाइट की बात करें तो इसमें हमें हैलोजन सेटअप में हेडलाइट दी गई। इसमें LED का कोई कंपनी ने यूज़ नहीं किया है। वहीं साथ में इसके दोनों टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी कंपनी ने बल्ब इंडिकेटर दिए हैं। ये सामने हमें नंबर प्लेट लगाने की जगह, वहीं पर टेलीस्कोपिक नीचे की ओर सस्पेंशन। साथ में इसके मड गार्ड की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का मड गार्ड हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। कंपनी ने इस बाइक की थीम डुअल टोन में रखी है, तो नीचे ब्लैक और ऊपर रेड के कॉम्बिनेशन के साथ ये बाइक हमारे पास आती है। वहीं इसके फ्रंट मड गार्ड की बात करें तो दोनों तरफ हमें रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। वहीं टायर साइज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको 5 spokes अलॉय व्हील कंपनी ने इसमें ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ कंपनी ट्यूबलेस टायर देती है। वहीं टायर साइज़ की बात करें तो 2.75.18, तो ये हमें 18 इंच का टायर कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किया है। इस बाइक के अंदर हमें आगे और पीछे ड्रम सेटअप ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर कंपनी ने SBT का यूज़ किया है, जिसे TVS बोलती है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम। तो जैसे ही आप पिछले वाला ब्रेक दबाएंगे तो कुछ परसेंट आगे वाला ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा, जिससे आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ में सिंगल पीस हॉर्न देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी लाउड और ट्रैफिक के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं हम इस तरफ आएँ और इसके इंजन की और इसके कलर टोन की बात करें, इस तरीके से डुअल टोन पेंट स्कीम में हमें यह इंजन देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी ने रेड कलर में TVS की ये सामने ब्रांडिंग की हुई है, और वहीं पे इसके साथ में कॉपर कलर की ट्रीटमेंट कंपनी ने इंजन में दी है। वहीं इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो 8.08 BHP की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क ये इंजन हमें प्रोवाइड करता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 90 km/h तक की टॉप स्पीड हमें दे सकता है, और इतनी पावर के साथ ये हमें 65 km/l 65 की माइलेज आराम से निकाल कर ये बाइक हमें दे सकती है। वहीं पर इस बाइक को भी BS6 में FI में ट्यून्ड कर दिया गया, तो इसमें से कार्बोरेटर कंपनी ने हटा दिया है। और इस बाइक को डिज़ाइन में अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि स्प्लेंडर की कंपटीशन में काफ़ी प्रीमियम एलिमेंट दिए हैं, जैसे कंपनी ने इसमें साथ वाले फेंडर पे ही क्रोम का यूज़ भी अच्छी तरह कंपनी ने आकर के दिया है। वहीं ऊपर आप देख सकते हैं ETFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग हमें देखने को मिलती है, और वहीं साइड फेंडर पे हमें डुअल टोन रेड और ब्लैक कलर की शेडिंग और रेडियन का 3D में ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके गियर सिस्टम की बात करें तो हमें 4-speed मैनुअल गियर देखने को मिलता है, जो कि ऑल अप के साथ आता है। वहीं कंपनी ने हमें इसमें साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही दिए हैं, जिसके साथ कंपनी ने साइड स्टैंड के अंदर हमें सेंसर भी दिया, जो कि साइड स्टैंड सेंसर ये कट ऑफ नहीं है, नॉर्मल वाला सेंसर है। वहीं पर हम इसकी चैन सिस्टम की बात करें तो चैन सिस्टम हमें क्लोज देखने को मिलता है, जिससे चैन में ज़्यादा गंदगी नहीं घुसती और इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम हो जाता है। वहीं फ्रंट फुट पैक की बात करें तो ये कुछ ऐसी डिज़ाइन के साथ हमें देखने को मिलता है। वहीं बैक वाला फुट रेस्ट कुछ इस तरह से गोल गोल हमें देखने को मिलता है। इसके पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो हमें कोइल हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। वहीं पर ये पीछे की तरफ साड़ी गार्ड फुटरेस्ट अब इसमें लगानी है, क्योंकि ये बाइक शोरूम में खड़ी है। वहीं ऊपर वाले फेंडर की बात करें तो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का फेंडर और ड्यूरा लाइफ की बैजिंग हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं इस बाइक के पीछे से, तो इसके अंदर हमें पीछे भी हेलोजन में लाइट देखने को मिलती है। वहीं पर ब्लैक कलर का फेंडर इसमें हमें कंपनी ने प्रोवाइड किया है, और फेंडर के बिल्कुल नीचे हमें पीछे की तरफ कंपनी ने रिफ्लेक्टर दिया है। वहीं इंडिकेटर्स की बात करें तो दोनों इंडिकेटर में यहाँ पर भी बल्ब में ही देखने को मिलते हैं। वहीं ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पर क्रोम ट्रीटमेंट कंपनी ने ग्रैब हैंडल में दिया है, और यहाँ पर एक छोटी सी कवरिंग भी कंपनी ने करके दी है, जिससे आप काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पर अपना लोड कर सकते हैं।
अब हम बात करें इसके पीछे वाले टायर की, तो ये कुछ हमें 3.0 18 इंच, तो पीछे वाला टायर भी हमें 18 इंच का देखने को मिलता है और इस टायर की विड्थ आगे वाले टायर से ज़्यादा है। और वहीं पे आप देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप भी कंपनी ने हमें यहाँ प्रोवाइड कराई है। तो ये टायर इस तरीके का और आपको काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करा देगा। पीछे की तरफ कंपनी ने हमें ब्लैक कलर का अलॉय व्हील 5 स्पोक्स के साथ दिया है, जो कि आगे की तरह सेम है। और ये नीचे की तरफ हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। वहीं अब इसकी पीछे वाले स्विंग आर्म की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर हमें बॉक्स शेप स्विंग आर्म दिया है, जो कि इसके सेगमेंट में कोई भी बाइक प्रोवाइड नहीं करती, सिर्फ होंडा सीडिट 110 को छोड़ के। तो ये बाइक भी आपको चलते हुए काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। वहीं इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट हमें पूरा का पूरा क्रोम प्लेटिंग के साथ मिलता है। नीचे से ये ब्लैक कलर में है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से क्रोम की प्लेटिंग कंपनी ने हमें करके दी है, जो कि इस बाइक में काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। और ये आप कहीं से भी आपको कॉम्पैक्ट सेगमेंट की बाइक देखने को नहीं लगती। राइट साइड फेंडर पे भी हमें ड्यूरा लाइफ की बैजिंग, यही इस वाले पैनल पे हमें रेडियन का 3D में एम्बलम, ETFI इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग, यहाँ पर भी क्रोम का ट्रीटमेंट, कुछ इस तरह से साइड से बाइक देखने को हमें मिलती है। वहीं पे इस बाइक के अंदर हमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों ही कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। और इस साइड कंपनी ने सिंगल टोन में इंजन को रखा है, जिसमें रेड कलर में TVS की ब्रांडिंग हमें देखने को मिलती है। और ये हमें किक कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। अब हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पैडिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको पैरों को काफ़ी अच्छा ग्रैब करके रखेगी। वहीं पे कंपनी ने यहाँ पर TVS का 3D में अपना लोगो दिया है और डुअल टोन में इसके टैंक को पेंट किया है। वहीं इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर की इसमें हमें कैपेसिटी देखने को मिलती है और 1.2 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ ही आती है। और वहीं पर फ्यूल लिड ओपन करने के लिए कंपनी ने क्रोम का ट्रीटमेंट दिया है, जो कि डुअल टोन के साथ काफ़ी अच्छा एक टच कंपनी ने यहाँ प्रोवाइड हमें कराया है। वहीं अब हम सीट की बात करें तो काफ़ी लंबी सीट हमें यहाँ देखने को मिलती है और इसके ऊपर एक ये कट्स का टेक्सचर डिज़ाइन भी है। और ये सीट भी काफ़ी सॉफ्ट, जो कि आपको काफ़ी अच्छी कंफर्ट और काफ़ी अच्छी राइडिंग कंफर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। यहीं पे कंपनी ने हमें लगा लगाया एक ग्रैब भी देखने को मिलता है, जो कि आप इजीली यहाँ पर कुछ भी अपना सामान टांग सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हैंडल बार की, तो इसका हैंडल बार कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ग्रिप या हमें क्लच, जो कि सिल्वर के साथ देखने को मिलता है, येलो कलर में पास स्विच, हाई बीम लो बीम का बटन, साइड टर्न इंडिकेटर का बटन, नीचे हॉर्न का बटन यहाँ कंपनी ने प्रोवाइड किया, तो एक सिंपल सा ही देखने को मिलता है। और बटन्स की बात करें तो चिट चिट काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम सी आपको वाइब दे देंगे। वहीं बात करते हैं हैंडल में, यहाँ पर भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कंपनी ने किया, बीच में कोई लोगो नहीं है। वहीं साथ में हम इस साइड बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, खाली खाली सा है। वहीं फ्रंट वाला ब्रेक भी हमें सिल्वर में, ये साइड का एक्सेलरेटर, और ये नीचे की तरफ हमें लैंप चसाने के लिए दिया है, और ये हमारा सेल्फ स्टार्ट का बटन। अब हम बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो कुछ इस तरीके का मीटर कंसोल इसमें हमें देखने को मिलता है, जिसमें स्पीडोमीटर हमें एनालॉग में दिया है, ओडोमीटर भी एनालॉग में कंपनी ने प्रोवाइड किया, जिसकी रेटिंग 140 तक है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड कर देगी। वहीं पर इसमें इकोनॉमी और पावर का बटन दिया है, जब तक ये इकोनॉमी की लाइट जलेगी तब तक आपकी बाइक काफ़ी अच्छी माइलेज प्रोवाइड करेगी, जैसी पावर की लाइट जलेगी तो ये आपको काफ़ी स्पीड प्रोवाइड कर देगी। यही कंपनी ने इसके अंदर हमें TVS का लोगो दिया है। वहीं पर हमें फ्यूल मीटर भी इसमें हमें एनालॉग ही देखने को मिलता है। वहीं नीचे की ओर हमें साइड स्टैंड इंडिकेटर और FI इसमें प्रोवाइड है, तो उसके लिए मॉल फंक्शन लाइट कंपनी ने दी है। ये बीच में बात करें तो यहाँ दोनों साइड हमें साइड टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट और यहाँ पर हाई बीम का इंडिकेटर हमें प्रोवाइड कंपनी ने किया है। वहीं इसकी कीज़ की बात करें तो कुछ इस तरीके की दो की हमें देखने को मिलती है, जहाँ एक तरफ TVS की ब्रांडिंग और दूसरी तरफ इसका लोगो। तो ये थी हमारी TVS की रेडियन। अब इसके डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन में सबसे पहले इसका वेट आता है, जो कि 116 किलो की बाइक है, जो कि काफ़ी लाइट वेट, आप इसको ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं और आराम से ट्रैफिक में मैनोवर कर सकते हैं। वहीं अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कंपनी ने इसमें हमें
180 mm की काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराई है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे खड्डे वाले रास्तों से भी निकालने में हेल्पफुल होगी। सीट हाइट की बात करें तो लगभग इसकी सीट हाइट हमें मिल जाएगी 750 के आसपास की, तो इसको 5'4" और 5'5" के राइडर इजीली राइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें TVS की रेडॉन 110 देखने को मिलती है। अगर आपको ये बाइक पसंद है या आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, तो इसके शोरूम की पूरी डिटेल मैं आपको लिंक के साथ, एड्रेस के साथ पूरा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा।